राज्य सरकार प्रदेश रा ग्रामीण क्षेत्र में भक्तारी सीमित संख्या वाला धार्मिक स्थला ने एक जुलाई सु खोलबारी दी गई अनुमति। धार्मिक स्थला माथे सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना सु बचाव रा सगला उपायों की पालना करनो वेलो अनिवार्य। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 13,032 लोग अभी स्वस्थ। आज 121 और नवा संक्रमित आया सामने। अब तई 402 लोगों की वही मौत। कोरोना महामारी रे प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातर चलाया जा रही अभियान री बढ़ाई गई अवधि। अब यो अभियान चले लो 7 जुलाई तक। लॉकडाउन और गर्मिया री छुट्टियां रा पछे राजस्थान हाईकोर्ट री जयपुर पीठ में आज सु कामकाज लियो शुरू। कोरोना संक्रमण ने देखता थका अधिवक्ताओं और पक्षकारों थर्मल स्कैनिंग रे पछे दियो गयो प्रवेश। हर प्रदेश में मनरेगा के तहत हजारों प्रवासी मजदूरों ने दियो जारी हो है रोजगार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासियों खातर हो रही है वरदान साबित। राजस्थानी समाचारों में थाको घड़ोघड़ो स्वागत। मैं राकेश वशिष्ठ। अब खबरा विगत पार। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र रा आस्था धार्मिक स्थल जठे सीमित संख्या में श्रद्धालु आवे है वणा ने 1 जुलाई सु खोलबारी अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर माए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करता थका या निर्देश दिया। वणा कहा कि इन धार्मिक स्थला माथे सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना सु बचाव सु सगड़ा उपायों की पालना अनिवार्य रूप सु वैली। मुख्यमंत्री देश रा विभिन्न हिस्सा सु राजस्थान आवाला व्यक्तियां खातर 14 दिन रा होम क्वारंटाइन री अनिवार्यता ने हटा बारा निर्देश भी दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 13,618 मरीज इलाज रे पछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें सु 13,326 ने अस्पताल सु छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि राज्य में आज 121 और संक्रमित मिलिया है। इनमें सबसे ज्यादा भरतपुर में 18 रोगी मिलिया है। इनके अलावा कोटा में 16, बाड़मेर में 14, जयपुर में 13, नागौर में 12, सिरोही में 11, उदयपुर में 10, बीकानेर में 9, उजयपुर, अजमेर, झुंझुनू, पाली और राजसमंद में 3-3, चूरू में 2 और चित्तौड़गढ़, धौलपुर और जैसलमेर 1-1 संक्रमित मिला है। इनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी संख्या 17,392 वैगी है। वटे आज 3 और मरीजारी मौत हो बात है। साथ ही इन बीमारी सु अब ताई प्रदेश में 402 लोगों की मौत वह चुकी है। दौसा में कोरोना संक्रमित मरीजारा ठीक होबारी दर 80% माथे पुगी है। वटे मृत्यु दर 2% है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएम वर्मा बताया कि आज जिला माए 3 और नवा संक्रमित मरीज मिला है। इनके साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 137 वैगी है। इनमें सु 109 मरीज इलाज रहे पछे स्वस्थ वह चुका है। फर्स्ट केस आया था, उसके बाद हमारे अब तक के जो 137 जो केस जो पॉजिटिव आए हैं उनमें से 109 केस हमारे रिकवर हो चुके हैं और 27 हमारे आज के दिन में एडमिट हैं। उनमें से 25 एक्टिव केस हैं, 2 किसी कारण से एडमिट कर रखे हैं और किसी बीमारी के कारण, और अब तक जो 3 डेथ हुई हैं। हमारी टीमों के द्वारा रेगुलर एक्टिव सर्वेलेंस की जा रही है, एक्टिव सर्वे किया जा रहा है और अब तक जो 46,83,000 लोगों की जो सर्वे किया है। हमारे रेगुलर स्क्रीनिंग चल रही है, बाहर से आने वाले प्रवासियों की हमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं, साथ ही सैंपलिंग कर रहे हैं। हमारे आश्रम से जो दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है उसमें भी हमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उनकी सैंपलिंग भी कर रहे हैं। करौली जिला में अब ताई कोरोना संक्रमित 65 लोग इलाज रहे पछे स्वस्थ हो चुका है। आज आरएसी रा 9 जवान और 1 चिकित्सक समेत 15 लोग कोरोना ने हरार घर पुग गया। इन दौरान पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल और CMHO डॉक्टर दिनेश मीणा माला पहनार इन कोरोना फाइटर्स ने विदा करिया। CMHO बताया कि जिला में कुल 96 लोग कोरोना संक्रमित हुआ है। इनमें से ज्यादातर ठीक होकर घर लौट गया है। वठे 4 लोगों की मौत हुई है। पंद्रह केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, उनको हमने आज डिस्चार्ज किया है। माननीय SP साहब
राज्य सरकार प्रदेश में आए कोरोना संक्रमण रे प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातर चलाए जा रही जागरूकता अभियान री अवधि एक सप्ताह और बढ़ा रहे ने 7 जुलाई तक कर दियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के सूचना और जनसंपर्क विभाग कानी सु चलाया जा रही इन अभियान सु लोग आर जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म रो बेहतर उपयोग करो जावे लो। हनुमानगढ़ जिला माए लोगों ने कोरोना महामारी रे प्रति जागरूक करियो जारियो है। इन कड़ी माए आज जिला कलेक्टर ऑटो रिक्शा चलार लोगों ने कोरोना सु बचाव रो संदेश दियो। इनरे अलावा कोरोना वॉरियर्स ने शपथ दिलाई गई। यहाँ पे टेम्पलेट का वितरण किया गया है। यहाँ पे जो मजदूर व्यापारी और किसान हैं उन सबको कोरोना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संदेश दिया गया है। डॉक्टर्स उनको बांटे गए हैं, मास्क भी बांटे गए हैं और इनको ये बताया गया है कि क्या करें क्या नहीं करें। प्रदेश में कोरोना महामारी रे प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातर चलाया जा रहा अभियान रे तहत बूंदी जिला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करिया जा रहा है। जिला प्रशासन कानीसु जगह जगह रंगोली बनार और नुक्कड़ नाटक समेत दूजा माध्यमा सु लोगों ने कोरोना सु बचाव री जानकारी दी जा रही है। वठे प्रशासनिक अधिकारी मास्क रे साथ है सेल्फी लेर अपना सोशल मीडिया अकाउंट माथे अपलोड कर लोगों ने कोरोना सु बचाव को संदेश। ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसे लोगों में एक चर्चा का विषय बनता है, लोगों को इसकी जानकारी बढ़ती है एवं बीएलओ स्तर के माध्यम से भी जो स्क्रीनिंग की कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। 268 ग्रुप बने हुए हैं, वो स्क्रीनिंग के दौरान इस पूरे दौरान फोर्थ राउंड स्क्रीनिंग चल रहा है, उसमें भी उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हर एक आदमी को इन तीन बातों के संबंध में बताएं कि भाई 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें एवं हाथों को समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, सार्वजनिक स्थलों पर थूके नहीं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे विमानन संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था ने बढ़ाता दिया इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम में चालू करियो गयो है। एयरपोर्ट रा निदेशक जेएस बलहारा बताया कि एयरपोर्ट माथे 18 करोड़ रुपया री लागत सु यो सिस्टम लगायो गयो है। पैसेंजर को ये हैसल चेक नहीं होगी कि वो खुद जाके अपना सामान जो है एक्सरे कराए और एक्सरे कराने के बाद वो वहां से अपना सामान उठाए और काउंटर पर लेके जाए। अभी पैसेंजर को रजिस्टर्ड बैगेज जो है सीधा काउंटर पे एयरलाइंस के दे देना है और उसको अपने आप से एक्सरे कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इनलाइन एक्सरे बैगेज में क्या होता है कि उसका लगेज मिलने के बाद काउंटर पे ये एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है, 3 स्टेजेस से 4 स्टेजेस टोटल हैं जिसके थ्रू एक्सरे होके सामान जो है एयरक्राफ्ट में जाता है। तो ये पहले जो कन्वेंशनल सिस्टम लगे हुए थे उससे बहुत ज़्यादा ही सिक्योर सिस्टम है और ये जो है लगभग 3 एयरपोर्टों पर हमने शुरू किया है, वाराणसी, जयपुर और लखनऊ। लॉकडाउन और गर्मियारी छुट्टियां रे पछे राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज सु कामकाज शुरू हो गए। कोरोना महामारी रे चालता 8 प्रदेश करवाला अधिवक्ता और पक्षकारारी पहले थर्मल स्कैनिंग करेगी, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क रो उपयोग करता दिया लोगों ने देखो गयो। हालांकि 8 केवल उन्हीं पक्षकारा ने प्रवेश दियो गयो जिनरे कने ई पास हो। 3.5 महीने के बाद में तो एडवोकेट्स की अपीयरेंस शुरू हुई है क्योंकि होली के बाद में तो बंदी हो गई थी। पक्षकारों के आने की व्यवस्था ये की गई है कि उनको ईमेल से एक आदमी आ सकता है जब उसका केस का नंबर आता है। अब जैसे कई कोर्टों ने कह दिया 1 से 5 लेंगे 5 से 10 लेंगे तो 4-4 5-5 केसेस खाली लेते हैं तो उनके ही वकील अंदर जा सकते हैं और उन्हीं के एक एक क्लाइंट एक केस में जा सकता है। प्रिकॉशंस बहुत ज़बरदस्त है, बिना मास्क अलाउड नहीं है, अंदर जाते उनसे फीवर लिया जाता है तरह उससे और हाथ धो करके फिर उसके बाद में जाते हैं और कोर्ट के अंदर भी डिस्टेंसिंग है, कोर्ट के अंदर भी 4 कुर्सियां रखी हुई हैं। एक और हाईकोर्ट ने किया है कि 1 घंटे के लिए जैसे पहले सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वैसे जो वकील चाहें वो सुनवाई कर सकते हैं, तो वो भी है। तो दोनों तरह की कार्रवाई दोनों तरह से कर रहे हैं।
झालावाड़ जिले में भी अब अदालतों में नियमित रूप से कामकाज शुरू हो गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए अदालतों में बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी। वहीं पक्षकारों को बुलाने पर भी रोक रहेगी। आज न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए। उधर आज से न्यायालयों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। अब यह सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे। वटई जोधपुरी सेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र दौरा माथे जारिया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज केरू फांटा माथे सड़क हादसा माए घायल विया दो लोगों ने अपनी गाड़ी सू समय रहता अस्पताल पहुंचार वनारी जान बचाई। मंत्री अस्पताल प्रशासन ने दोनों ही घायलों रो तत्काल इलाज करवारा निर्देश भी दिया। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज अपना विधानसभा क्षेत्र आमेर माए कार्यकर्ताओं सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करी। डॉक्टर पूनिया आज आमेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा माथे हाँ इन बीच प्रदेश मुख्यालय सु वणा कार्यकर्ताओं सु वीसी सु जुड़बारी सूचना मिली। इन माथे वणा वठे सु ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कार्यकर्ताओं सु संवाद करया। राज्य सरकार काल देर रात प्रशासनिक बेड़ा माए बड़ा फेरबदल करता थका। 144 आरएएस अधिकारियां रा तबादला करिया है। जिला माए अफसरारी कमी ने देखता थका प्रशिक्षण समाप्त होबासु दो माह पहली 2019 बैच रा 85 आरएएस अधिकारियां रा लंबा टाइम सु रिक्त चाल रिया उपखंड अधिकारी अरे दूजा समकक्ष पदा माथे तैनात करिया है। वटे तबादला सूची माए 59 दूजा आरएएस अधिकारियां ने उपखंड अधिकारी अरे दूजा पदा माथे लगायो गयो है। वटे ऑल एनजीओ महासंघ कानीसू आज मानसरोवर स्थित बाल अधिकारिता विभाग कार्यालय माए ज्ञापन दियो गयो। महासंघ कानीसू दिया गया ज्ञापन माए बाल कल्याण समिति रा पूर्व चेयरमैन कानीसू करिया गया कामरी जांच करबारी मांग करेगी। महासंघ रा अध्यक्ष अनीश कुमार आरोप लगाया के विभाग री कार्य प्रणाली रे चालता कई बाल गृह बंद होबारी कगार माथे खड़िया है। बहुत सारे ऐसे अनाथालय जो बंद हुए हैं वे अपना काम हॉस्टल के रूप में पंजीकृत करने के बाद कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार सीडब्ल्यूसी का रवैया रहा तो आने वाले समय में अनाथालय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी दानदाता भामाशाह अनाथालय चलाने के लिए अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए आगे नहीं आएगा। सीडब्ल्यूसी की कार्यशैली और मिलीभगत की जाँच के लिए उचित हाई पावर कमेटी की स्थापना करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन की प्रति हम मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण माए आंकड़ारी काफ़ी अहमियत हुए है। इनरे बगैर कोई बड़ो सर्वेक्षण रिसर्च और मूल्यांकन पूरो नहीं करियो जा सके है। जीसू सांख्यिकी रा महत्व रे मारे माए जागरूकता पैदा करबा खातर प्रत्येक वर्ष 29 जून ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनायो जावे है। प्रोफेसर महानालोगिस हु ब्रॉट द कांसेप्ट ऑफ प्लान गवर्नेंस टू इंडिया is fondly remembered as the father of the statistical system in the country, a pioneer in statistical thinking, research and governance. His contributions were immense towards the setting of the Indian Statistical Institute in Calcutta in 1931 as a dedicated institute for research and training in statistics. It was his vision that led to formulation of two pillar official statistical institutions in the country, that is the erstwhile Central Statistical Organization and the National Sample Survey Organization, which are the forerunners to the present day National Statistical Office. Friends, the developments in theory and practice of statistical procedures have resulted in an efficient decision-making process globally. The National Statistical Office, the custodian of the official statistics and mentor of the statistical system of the country, have evolved to become an important national institution and has been recognized globally for its relevance and contributions. As you are all aware, the high-quality statistical data gathered, processed, and released through the national statistical system is in great demand by national and international agencies.
सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना लोकसभा क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों ने विभिन्न स्थानों माथे राहत सामग्री रो वितरण करियो। हाल ही में फुलेरा, कोटपुतली, बांसूर, जमवारामगढ़ समेत कई स्थानों माथे जरूरतमंद परिवार ने राहत सामग्री वितरित करी। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में आया प्रवासी श्रमिकों को सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इन कड़ी में जोधपुर जिला में 5,032 लोगों ने रोजगार कार्ड बनाया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 5,581 मनरेगा काम करवाया जा रहा है। पूरे जिले की बात करें जिसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल है तो लगभग 19,000 के आसपास परिवारों में प्रवासी आए थे। कुल प्रवासियों की संख्या अधिक है क्योंकि नरेगा में परिवार के हिसाब से रोजगार दिया जाता है, तो हमने ये संख्या परिवारों के हिसाब से ली है। इनमें से लगभग अधिकांश के जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके जॉब कार्ड बने हुए थे, बाकी लगभग 5-6 हज़ार के आसपास नए जॉब कार्ड में भी नाम जोड़े हैं। और मास्क जो कॉटन के है, यूज एंड थ्रो नहीं हो सकते, वापस धोके इनको काम में ले सकते हैं, ऐसा मास्क इनको उपलब्ध करवाया गया लेबर सबको। लॉकडाउन में माना रोजगार खुली हो जाने, रोजगार में बच्चों ने पालन पोषण करो, हमारे यहाँ लॉकडाउन उतर जन खावे कहीं बच्चा बैठा घरे जन बचवा ओ कॉम फैमिन चालू करी जन में टावर बच्चों अब तो आवे जन पालन पोषण करो नहीं जन बच्चा भूखो मरो चार हफ्ता होया, चार हफ्ता में रेट ही बराबर आती है और नाप भी बराबर निकलता है। मोड़ा पे जाओ तो नाप नहीं निकले, मोड़ा भी करन गार्डन जा रही आज साबुन से हाथ धो रही हूँ, सफाई गणी राखो, नेट मोर अच्छा है, दूर दूर बहन आला हो। अजमेर माए मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों ने रोजगार देन वणा ने संबल प्रदान करियो जा रियो है। जिला माए 1700 प्रवासी मजदूरों ने वणा रे कनेरी चाल रिया नरेगा कामासु जोड़ियो जा रियो है। जिलारी पीसांगन पंचायत समिति गोविंदगढ़ गांव माए करीब 450 लोगों का जॉब कार्ड बनाया गया है। प्रवासी मजदूरों की संख्या 9,077 संख्या है जो अजमेर जिले के अंदर बाहर के राज्यों से प्रवासी के रूप में आए थे। इनमें से 2308 लोगों ने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया, 2308 परिवारों ने, तो 2308 परिवारों का जॉब कार्ड हमने बना दिया। अब इनमें से 2308 परिवारों में से 1741 परिवारों ने काम की मांग की, हम कार्य पर लगना चाह रहे हैं, तो 1741 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ क्या है कि प्रवासी लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो क्या है कि हमने आए तो उनको पहले चिन्हीकरण किया भाई कितने लोग आए हैं, फिर हमने उनको GRS से ग्राम रोजगार से उनको बैठा के उनके जॉब कार्ड इशू करवाए। उसके बाद में काम कम सेक्शन थे, सरपंच साहब ने मिलकर BDO साहब से कह के नए काम 5-4 सेक्शन करवा दें जिससे क्या सबको रोजगार मिल सके। हमारे गाँव में अभी 6 काम चल रहे हैं, 2 ग्रेवल सड़कें, 1 आव है और 3 नाडियों के काम चल रहे हैं। अभी हमने जो बाहर से मजदूर जो बाहर गए हुए थे वापस यहाँ आए हैं, उनको हमने 450 जॉब कार्ड नए तैयार करके आता हूँ, उनको घर जाके मतलब काम चल रहा है, तुम काम तैयार किया काम पे आ रहे हैं। अभी मैं सूरत रहता हूँ, पर कम से 15-20 साल से वहीं से रहता हूँ मैं, वहाँ पे मैं काम करता था, मजदूरी करता था यही, और यहाँ पे आया तो जॉब कार्ड की सुविधा देखी मेरे यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है, तो मैंने भी अपना जॉब कार्ड यहाँ बनाया, मैं भी काम करना सीख गया, इधर नाम लिखा है तो मेरे को भी काम मिल गया। भीलवाड़ा जिला में आए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी मजदूरा खातर वरदान साबित हो रही है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार विया प्रवासी श्रमिका ने अब इन योजना के तहत 125 दिन ताई काम दियो जा रही है। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरदा बताया कि इन योजना के तहत जिला माए मनरेगा, अपना खेत अपना काम और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों ने रोजगार दियो जा रही है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के 122 जिलों के लिए लॉन्च किया है। इसमें भीलवाड़ा भी सम्मिलित है। भीलवाड़ा में हम लोग जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा, उसमें कैटल सेड, गोट सेड, किसानों के जो अपने खेतों पर अपना खेत अपना काम, इस तरह के काम ले रहे हैं। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं, जलग्रहण व भूमि सुधार के जो कार्य हैं उसमें काम तेज़ी से दिए जा रहे हैं, सड़कों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो स्वीकृत किए जा रहे हैं, और इन सब कामों को एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। महामारी के अंदर इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी होने के बावजूद मेरे गांव में इन लोगों को पहले रोजगार नहीं था, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई, और ये सरकार ने चली है उनके माध्यम से लोग 220 रुपये प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, और इनको 6 बजे से 2 बजे का टाइम है, सब छाया पानी सरकार की ओर से बहुत ही अच्छा इनको सुविधा मिल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम गंगानगर रा अनूपगढ़ माए जीसीटीओ ने 10,000 रुपया रिश्वत लेता थका रंगा हाथा गिरफ्तार करिया है। आरोपी परिवादी सु जीएसटी रिटर्न नी भरबा माथे जुर्माना रो डर दिखार 25,000 रुपया रिश्वत मांगी। परिवादी री शिकायत माथे एसीबी री टीम आज वणा ने रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कर लियो। जयपुर कमिश्नरेट रा पुल पस्सी क्षेत्र में आए पुलिस कार्रवाई करता थका एक महिला समेत 5 अंतर्राज्यीय तस्करा ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस आरोपियों सु लग्जरी कार माए 64 किलो सु 32 अवैध गांजा बरामद करियो है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप रे तहत अब ताई 327 प्रकरण दर्ज कर 407 अभियुक्ता ने गिरफ्तार करियो जा चुकियो है। प्रदेश में आए शुरुआती दौर में आए मानसून रा कमजोर पड़वासु कुछ ठौरा माथे बारिश फेरी है। इंडर चालता काल भरतपुर जिला रा डीग माए 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजम अबाड़ा 2-3 दिन पाछे मानसून रो फिर सु सक्रिय होबारी संभावना है। आवाड़ी 1 जुलाई सु मानसून रा सक्रिय होबारे साथ ही अच्छी बारिश हो सके है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे महा का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो। अरे खबरा रा अपडेट खातर महा का ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खास समाचार एक बार फेरू। राज्य सरकार प्रदेश रा ग्रामीण क्षेत्र में भक्तारी सीमित संख्या वाला धार्मिक स्थला ने 1 जुलाई सु खोलबारी दीगी अनुमति। धार्मिक स्थला माथे सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना सु बचाव रा सगला उपाय री पालना करो वेलो अनिवार्य। प्रदेश में आए कोरोना संक्रमित 13,032 लोग अभी स्वस्थ। आज 121 और नोवा संक्रमित आया सामे। अब तई प्रदेश में आए 402 लोगों की वही मौत। कोरोना महामारी रे प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातर चलाया जा रही अभियान भी बढ़ाई गई अवधि। अब यो अभियान चले लो 7 जुलाई तक। लॉकडाउन और गर्मिया री छुट्टियां रे पछे राजस्थान हाईकोर्ट री जयपुर पीठ में आज सु कामकाज भी शुरू। कोरोना संक्रमण ने देखता थका अधिवक्ता और पक्षकारारो थर्मल स्क्रीनिंग रे पाछे दियो गयो प्रवेश। और प्रदेश में मनरेगा रे तहत हजारों प्रवासी मजदूरा ने दियो जारियो है रोजगार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासिया खातर हो रही है वरदान साबित। फिलहाल राजस्थानी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।